May 13 का OTA अपडेट फाइनली Mi 11X में रोल आउट हो चुका है पब्लिकली। अगर आपको जानना है कि इसको एक दिन यूज़ करने के बाद क्या एक्सपीरियंस है मेरा, वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। MIUI 13 का OTA अपडेट फाइनली आपको Mi 11X में देखने को मिलता है। अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला तो आप जाके अपडेट रैप में चेक कर सकते हैं, तब भी नहीं मिले तो आप उसको मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहिए तो ये आप देख सकते हैं MIUI 13 का जो कि आपका वर्जन देखने को मिलता है MIUI 13.0.4.0। व्हाट्स न्यू में टैप करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम में आपको देख सकते हैं कि आपको एंड्रॉयड 12 के साथ आपको फेब्रुअरी का सिक्योरिटी पैच लेवल और आपको जो है सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दिया गया जो कि आपको हर एक अपडेट में ये देखने को मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मोर फीचर एंड इम्प्रूवमेंट्स। और अगर आप चाहिए इसका ऑल स्पेक्स में तो ऑल स्पेक्स में आप देख सकते हैं इसमें आपको 6+2 GB देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आप देख सकते हैं कि आपको जो नीचे एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा जो कि आप काफ़ी दिन से बहुत जना में ये 13 और एंड्रॉयड 12 का वेट कर रहा था जो कि फाइनली आपको जो है Mi 11X में देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहिए तो आपको ऑब्वियसली फेब्रुअरी का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है जो कि अभी मार्च एंड होने वाला बट फेब्रुअरी का दिया गया जो कि मेरे को लगता है मार्च का देना चाहिए था। और अगर आप चाहिएगा तो इसमें आपको और ऐसा अबाउट फोन में कुछ नया नहीं देखने को मिलता है। सेटिंग्स में जाएगा तो आपको MIUI 13 का नया सेटिंग्स मेन्यू देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं आपको सेंटर में टॉगल्स और टेक्स्ट दोनों ही देखने को मिलता है। अगर आप चाहिए इसका ब्लूटूथ में तो ब्लूटूथ में आपको एंड्रॉयड 11 से अगर आप कंपेयर कीजिएगा एंड्रॉयड 12 का कोडेक तो आपको बेटर ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाएगा या सुनने को मिल जाएगा जो कि आपको क्विक पेयर के साथ भी देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी ईयरफोन या स्पीकर यूज़ करते होंगे डेली बेसिस में तो आपको जो है डिफरेंट नोटिस होगा। अगर आप चाहिए इसका कनेक्शन एंड शेयरिंग में तो इसमें भी आपको जो है कुछ नया फीचर नहीं देखने को मिलता, बट अगर आप चाहिए इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में तो इसमें आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि इससे पहले अपडेट में नहीं था। वो आपको लॉन्च कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आप अभी डायरेक्टली इसको अनेबल करने के बाद डबल टैप कीजिएगा वॉल्यूम में तो आपको जो है कैमरा लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन में, जो कि एक एक्स्ट्रा अच्छा एक फीचर है जो कि अगर आपको अनेबल करना तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहिए इसका डिस्प्ले में तो डिस्प्ले में एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो कि आपको डार्क मोड अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत सारे ऐप्स में आपको जो है परफेक्टली डार्क मोड नहीं देखने को मिलता और आपको इंडिविजुअल ऐप्स भी शो नहीं हो रहा, खाली अमेज़न शो हो रहा है और बाकी भी जो आपको डार्क मोड में थोड़ा बहुत बग देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहिए इसका AI इमेज इंजन में तो इसमें आपको AI HDR एनहांसमेंट जो कि पहले आपका अपडेट में हटा दिया गया था अभी आपको फिर से ऐड कर दिया गया और आपको MEMC भी जो है देखने को मिल जाता है जो कि अगर आपको ये अनेबल करना तो ये आप अनेबल कर सकते जो कि ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे कि इसका रिफ्रेश रेट में तो रिफ्रेश रेट मैं पर्सनली ये डिवाइस को एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज़ करता हूँ जो कि जो भी काम होता है ज़्यादातर टेलीग्राम और जितना भी पोस्ट सब इसी से होता है तो अभी पहले से बेटर 120Hz मेरे को फील हुआ। अगर आप चाहिए इसका साउंड एंड वाइब्रेशन में तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको साउंड असिस्टेंट में अलाउ स्पीकर साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा फीचर है, इसको अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपको एक नया एक फीचर देखने को मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन में। अगर आप चाहिएगा इसको बैक करके उसके बाद आप चाहिएगा नीचे तो उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलता है साइलेंट मीडिया इन साइलेंट मोड जो कि आपको ये भी एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि मेरे को पर्सनली लगता है कि एक अच्छा फीचर है कि अगर आपको ट्राई करना तो ऑब्वियसली आप तो ट्राई कर ही सकते हैं। और आपको DND में भी नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। हैप्टिक फीडबैक अगर आप यूज़ करते होंगे आपका डिवाइस में तो आपको अभी एंड्रॉयड 12 में बेटर हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है जो कि मेरे को लगा नहीं था इतना ज़्यादा इंप्रूव होगा बट हुआ है। साउंड इफेक्ट्स में जो था पहले वही आपको अभी भी देखने को मिलता है। अगर आप चाहिएगा उसके बाद नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में तो नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में आपको अभी भी जो है पुराना MIUI 12.5 एनहांस का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है जो कि मेरे को लगा था कि MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर शायद इसमें देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑब्वियसली आपका MIUI 13 का अपडेट है बट अभी भी आपको MIUI 12.5 का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है जो कि आप सिस्टम UI प्लगइन UI को जो है डायरेक्टली अपडेट करके आप MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर को अनेबल कर सकते हैं। तो बस उसको आपको लिंक मिल जाएगा उस ऐप का डिस्क्रिप्शन में चाहिए डाउनलोड कीजिए सिस्टम प्लगइन ऐसे कुछ नाम मेरे को याद नहीं सही से तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी आपको जो है Y1 L1 पहले भी था अभी भी आपको वही देखने को मिलता है जो कि बहुत बार अपडेट में रोल बैक हो जाता है Y1 L3 में पहुंच जाता है अभी आपको L1 ही देखने को मिलता है जो कि पर्सनली मेरे को अच्छा लगा क्योंकि बहुत बार अपडेट्स में ये चीज़ होता है। अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे कि इसका आप चाहिए उसके बाद आपको देखने को मिलता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी जो कि आपको ये पर्सनली कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है जो कि मेरे को लगता है ये फीचर अच्छा है बट इसका ज़रूरत नहीं पड़े तो बेटर है। और प्राइवेसी में ऐसा कुछ नया नहीं देखने को मिलता जैसा था वैसे ही है।
अगर आप चाहिए इसका बैटरी में, तो बैटरी में बहुत जन को अभी तक उसका डिवाइस में ये जो बैटरी प्रोफाइल ये आपको नहीं देखने मिलता है। और देख सकते हैं इसमें आपको अगर बैलेंस में डिवाइस को यूज़ कीजिएगा तो आपका बैलेंस में काफ़ी अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ड्रेन एकदम भी नहीं हुआ, अगर आपको रेड लाइन देखने को मिलता तो मतलब आपका बैटरी ड्रेन हुआ है। मैं बैटरी टेस्ट भी किया, बहुत सारा कुछ किया, सीपीयू थ्रॉटल, तब भी जो है बैटरी ड्रेन नहीं हुआ। बट परफॉर्मेंस में डालने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ। आपको भी ट्राई करना चाहिए कि कौन सा आपको बेटर बैटरी एक्सपीरियंस दे रहा है। मैं मेरा तरफ से सजेशन कि आप उसको बैलेंस में ही रखिए, तो बैलेंस में रखने से आपको जो अच्छा खासा स्क्रीन ऑन टाइम और आपको अच्छा खासा जो है स्टैंड बाई देखने को मिल जाएगा। अगर आप जाइएगा इसका ऐप्स में, तो ऐप्स में ऐसा कुछ नया चेंजेस या कुछ ऐसा नया हुआ नहीं है जो कि आप देख सकते हो। और बाकी आपको स्पेशल फीचर में आपको फेमस साइड बार देखने को मिल जाता है, जो कि इससे आप कोई भी ऐप्स को साइड से ही जो है अनेबल करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको ऐसा कुछ साइड बार देखने को मिल जाता है। ऑफिशियली आपको फीचर जो है आपका सेटिंग्स में स्पेशल फीचर में देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप कोई भी ऐप्स को डायरेक्टली जो है टॉगल करके यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो सब तो आपको पहले से देखने को मिलता था, आपको मी का नया लोगो देखने को मिलता है जो कि वो भी आप देख सकते हैं। और बैकग्राउंड आपको शायद थोड़ा सा नॉइस सुनने को मिल जा रहा होगा, जो कि उसके लिए मैं सॉरी, कंस्ट्रक्शन चल रहा साइड में तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। देख सकते हैं आप जो है आपको एक नया जो है मी कास्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अभी करेंटली मी स्मार्ट हब जो है या आपका बीटअप फेज में, जो कि इसको आप जो है नहीं यूज़ कर सकते, बट आपको अभी देखने को मिल जाता आपका रिसेंट मेन्यू में। तो यही था आपका कि क्या आपको चेंजेस देखने को मिलता है।